अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां मौसम विभाग के रेड अलर्ट और मानसूनी सीजन को देखते हुए डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के दिशा निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने पिछले वर्ष अक्टूबर में आपदा से भूस्खलन की चपेट में आए घरों में रह रहे परिवार वालों को तुरंत मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए नोटिस जारी किया है। एसडीएम रिंकू बिष्ट का कहना है कि लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के गल्ला गांव, भारतौली, सिंधा आदि क्षेत्रों में खतरे की जद में आए परिवारों को तुरंत घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि इन परिवार वालों को प्रशासन की ओर से किराए के मकान में रहने के लिए 4 महीने का किराया भी दिया जा रहा है, साथ ही स्कूलों और सरकारी भवनों में रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। परगने में भारतौली और गल्ला ये दो गांव थे जिनका के विस्थापन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है। सावधानी के तौर पर ऐसे जो घर हैं उनको नज़दीकी या तो हमारे पंचायत घर या किसी स्कूल में अथवा जो है उनको किसी सुरक्षित स्थान पर किराए के भवन में जाने के लिए बता दिया गया है। अभी तहसीलदार साहब और मैं भी उन गांव का दौरा करने वाले हैं और अगर किन्हीं लोगों को जाने में अगर वो आनाकानी कर रहे हैं तो उनको नोटिस भी निर्गत कर दिया गया है और उनके साथ बातचीत भी की जा रही है कि वो अपने को सुरक्षित स्थान पर रखें और जो भी उनका किराया बनेगा प्रशासन के द्वारा वो किराया उनको निर्गत किया।